लामा फेरा दो शब्दों से बना है, जैसे मैंने उस दिन भी आप लोगों को बताया था, आज भी बता रही हूँ। लामाज वो हैं जो लॉर्ड बुद्धा की फिलॉसफी को समझते हैं और उसे अपनाते हैं। लामा सिर्फ तिब्बत में जो इस तरह के कपड़े पहन के घूमते हैं वो नहीं, इन कपड़ों में भी बहुत और भी हैं, जैसे ओशो फॉलोअर्स होते हैं वो भी ऐसे कपड़े पहनते हैं, ठीक है ना, देखा होगा आप लोगों ने। तो ये जरूरी नहीं है कि वो लामा है, लामा वो होते हैं जो लॉर्ड बुद्धा की फिलॉसफी को फॉलो करते हैं, ठीक है, डिफरेंस है। फेरा वो है जो 2.5 सर्कल उन्होंने उस लेडी के आसपास लगाया था, जिसका जो ओम जी ने भी क्लियर किया, जो देखकर आई थी सब दूर की कहीं से उसको वो चावल नहीं मिले थे, फिर वो आके लॉर्ड बुद्धा की शरण में आ गई थी और उन्होंने कहा था कि अब मैं आपकी शरण में आ गई हूँ, आप मुझे अपने साथ ले लो। बड़ी मुश्किल से उन्होंने उसको अपने साथ लिया था, वो मुक्ति चाह रही थी, मोक्ष चाह रही थी, उन्होंने 2.5 सर्कल लिया उसके आगे और अपनी जो पहनी हुई माला थी वो उसके हार्ट पे रख दी, हार्ट चक्र पे, ठीक है। तो जब उन्होंने वो उस पे रखी उसको चक्रा वहां पर, तो उसको एनलाइटमेंट मिली। एनलाइटमेंट का मतलब ये होता है उसको अपने जीने का पर्पस समझ आया, ठीक है। दूसरी चीज ये है कि वो चाहते तो उसको मोक्ष भी दे सकते थे, क्योंकि वो तो भगवान थे, पांचों इंद्रियां उनके कब्जे में थी, है ना, पांच एलिमेंट्स जिनको हम कहते तत्व थे वो भी उनके पास थे, वो चाहते तो दे सकते थे। लेकिन उस लेडी का इस अभी तक वो खत्म नहीं हुआ था, लाइफ खत्म नहीं हुई थी, तो उसको लेकिन आत्मबोध हो चुका था, उसको लाइफ पर्पस समझ आ गया था, इसलिए उन्होंने उसको अपनी शरण में ले लिया। लेकिन उससे पहले उसको उसको प्योरिटी दी। प्योरिटी कहाँ से दी? उसके हार्ट के ऊपर माला रखकर 2.5 चक्कर लेके, तो उसका हार्ट चक्र जो था वो एक्टिवेट हो, ठीक है। सो इस तरह से जो डिसाइपल्स होते हैं वो लामाज होते हैं। फेरा वो है जो 2.5 चक्कर आप लोग भी आगे लोगे, मैं बताऊंगी कैसे, ये उसकी पूरी स्टोरी है, ठीक है, किसा गौतमी की स्टोरी है ये, उसको पतार पत्रचारिका भी कहते हैं, और भी 2-3 ऐसे स्टोरीज हैं इसमें, ये सब मैंने इसमें डाली हुई है, तो आप लोग जब पढ़ेंगे तो आपको क्लियर हो जाए। चलिए अब हम थोड़ा सा, आप लोग लामा फेरा सीखने आए हैं तो पता भी होना चाहिए कि इसके बेनिफिट्स क्या हैं, ठीक है। तो आई जस्ट गो थ्रू इट। ये वर्ल्ड की फास्टेस्ट और पावरफुल हीलिंग टेक्निक है, ठीक है। आपकी जो साइकिक प्रॉब्लम्स होती हैं, थॉट्स होते हैं, उनके जो प्रेशर्स होते हैं, स्ट्रेसेस होते हैं, वो सब ये रिमूव करती है। आपके फियर एंजाइटी को हटाती है, आपको अपने हायर सेल्फ से कनेक्ट करने का मौका देती है, आपके जितनी भी फिजिकल प्रॉब्लम्स हैं, मेंटल प्रॉब्लम्स हैं, और या जनरल या आपके सराउंडिंग में कुछ प्रॉब्लम्स हैं, वास्तु का प्रॉब्लम है या किसी भी चीज का प्रॉब्लम है, तो वो इन सब चीजों को संभालती है, हील करती है और आपको अपग्रेड करती है इन चीजों को संभालने के लिए और इनको समझने के लिए, ठीक है। Thank you.